नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आपका स्वागत है। तो अतुल वैभव जी और राज वर्मा जी और जो भी बच्चे क्लास में हैं, हम सभी को नमस्कार है। धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ टार्ट का ये थर्ड लेक्चर है और ये फाइनल लेक्चर है। मतलब लॉ ऑफ टार्ट के पिछले दो लेक्चर हमने ले लिए हैं और ये तीसरा और फाइनल लेक्चर है। तो लॉ ऑफ टार्ट को हम लोग तीन हिस्सों में बांट के इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सारे टॉपिक कवर हो जाए और सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके सामने आ जाए और उस पर आप सॉल्व भी करें। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हैं, उससे रिलेवेंट जो प्रोविजन है उन पर भी संक्षेप में चर्चा हो रही है ताकि आपको प्री में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बन सके। और ये सिर्फ लॉ ऑफ टार्ट की ही नहीं है, इस लॉ ऑफ टार्ट का तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी हमने सीपीसी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे ज्यूरिसप्रूडेंस हो, इंटरनेशनल लॉ हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, बहुत सारे लॉ को हमने कर दिए हैं और कुछ लॉ अभी करने बाकी हैं, उसको भी हम कर देंगे। तो इसको आपको पार्ट पार्ट में अगर देखना है तो आपको इस चैनल पर देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको संयुक्त एक ही वीडियो में सारा सब कुछ आ जाए, तो वो उसके लिए राय जुडिशियल क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं कंपाइल करके, क्रॉप करके, जैसे भी संभव होगा अच्छा बना के उसको मैं उस चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उसको लगातार देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लॉ ऑफ टार्ट का तीसरा लेक्चर है, फिरदौस मलिक, ओके गजला, गुड इवनिंग, ठीक है राज वर्मा जी। तो बिना देर किए हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको मैं बता दूं कि ये क्या है कि ये जुडिशियरी के प्रिपरेशन के लिए आपको अनअकैडमी थोड़ा हेल्प कर रहा है। थोड़ा क्या, पूरे एजुकेटर मिलके आपको हेल्प कर रहे हैं। और ये कैसे हेल्प कर रहे हैं कि जितने भी टॉप के एजुकेटर हैं अनअकैडमी के, सारे एजुकेटर मिलके आपको PYQ सेशन लेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएंगे, आस्क मी एनीथिंग विथ एजुकेटर उस पर चर्चा होगी, और मॉड्यूलर टेस्ट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन विथ टॉपर, एक्साइटिंग रिवार्ड फॉर लर्नर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसमें 100% तक की स्कॉलरशिप हो सकती है और अमेजन का बाउचर आपको 45,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको चल रही है और कब से कब तक होगी, तो 18 मार्च से ये चल रहा है और ये 25 मार्च तक चलेगा, 18 से 25 मार्च तक चलेगा। हाँ बबलू गुड इवनिंग। तो हम लोग इससे इस फेस्टिवल का एक लाभ ले सकते हैं। तो चलिए ये तो रहा अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें, और अब हम देखने जा रहे हैं आपका आज का क्वेश्चन पेपर। एक सेकंड, अतुल वैभव, बस जो आप देख रहे हैं ना, RAY की जगह RAI कर दीजिएगा, राय जुडिशियल क्लासेस आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मेरा फेस वगैरह तो दिख ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन का पहला प्रश्न ये है कि स्वामी अपने सेवक के दोषों के लिए दाई है, यदि सेवक ने कैसा, ऑप्शन नंबर डी तक का है, आप चुनिए।
इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जब वो टेम्पररी रूप से अपना कार्य किसी अन्य को सौंप दिया है। विकेरियस लायबिलिटी के लिए सेवक के दोषपूर्ण कार्य के लिए लायबल होता है। तो सेवक को जो काम दिया गया था, अगर उसने अपना काम किसी दूसरे को दे दिया, तमाम केसेस है ना कि एक बस का ड्राइवर जो था उसने अपने कंडक्टर को बस को घुमाने के लिए दिया और उस दौरान उस कंडक्टर ने एक्सीडेंट कर दिया, लायबल हुआ प्रिंसिपल यानी मालिक। तो इसी तरीके से ये नेक्स्ट मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बनाम कांगिस एंड ग्रिफिक्स लिवरपूल लिमिटेड, ये किससे रिलेटेड है? सेवा काल के दौरान मालिक और सेवक के संबंध पर, मालिक और अभिकर्ता के संबंध पर, कि सेवक द्वारा किया गया कपट? बताइए जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग सुलेखा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालिक और सेवक के संबंध पर, है ना, मास्टर और सर्वेंट के ही आधार पर है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी थोड़ी देर बाद करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन पर है। मैं आगे अभी ये क्वेश्चन आएगा और इसको मैं रिपीट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधिक दायित्व यानी विकेरियस लायबिलिटी पर वाद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्वामा देवी, मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड, ग्रिफिक्स एंड कांगिस ग्रिफिक्स लिवरपूल, कैसिडी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उपरोक्त सभी, ये क्या है? ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिनिधिक दायित्व पर ये वाद है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी की है केस, और मर्सी डॉक्स वाली भी केस उसी पर है। कैसिडी वाली केस जो है ना वो जबरदस्ती का ठूसा जा रहा है, क्योंकि कैसिडी वाली केस जो है वो मानहानि से रिलेटेड है, लेकिन उसमें भी जो पेपर के संपादक वगैरह थे वो विकेरियसली लाइबल ठहराए गए थे, तो इसलिए सारी की सारी केसेस विकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड है। ये है आपका अगला प्रश्न कि अपने कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य के लिए अपकृत्य की कार्यवाही में राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व है, यदि कार्य क्या इसमें सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर अपराधिकृत हैसियत से किया गया, अपराधिकृत हैसियत से किया गया। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी की केस है, किससे रिलेटेड है ये? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकेरियस लायबिलिटी। जस्ट आपने देखा था इसमें हुआ ये था कि एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को जो कि बैंक का कर्मचारी था उसको पैसे जमा करने के लिए दिए थे, उसने जमा नहीं किए, वो स्वयं उसको यूज कर गया, क्या उसके लिए बैंक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि जब वो कार्य कर रहा था बैंक का कर्मचारी तो उनके दोस्त की हैसियत से उसने पैसे उसको रिसीव किए लिए थे, बैंकर की हैसियत से नहीं रिसीव किए थे, इसलिए विकेरियसली जो कार्य किया गया था वो नियोजन के अनुक्रम से बाहर था, इसलिए मालिक जिम्मेदार नहीं। एक स्वतंत्र ठेकेदार के अपकृत के लिए नियोजक साधारणतया प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी होता है, नियोजक किन्हीं परिस्थितियों में उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता? नियोजक उत्तरदायी होगा यद्यपि उसने वादी के प्रति अपने कर्तव्य को भंग नहीं किया, सिद्धांततः नियोजक प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता। इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी,
स्वतंत्र ठेकेदार के कृत्यों के लिए सिद्धांततः नियोजक प्रतिनिधि रूप से उत्तरदायी नहीं होता है ना। ये सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ये जो बी आप कह रहे हैं, नियोजक किन्हीं परिस्थितियों में उत्तरदायी नहीं बना, जैसे एक गलत बात है ना, क्योंकि सिद्धांततः नहीं होता, लेकिन इस बात के चिंचार अपवाद है। एक अपवाद हो जाएगा कठोर दायित्व, एक हो जाएगा न्यूसेंस के मामलों में, तो इस तरीके से तीन चार ठो अपवाद है इसके। तो सिद्धांततः नहीं, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में यस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अपकृत्य में प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत पर एक लीडिंग केस है, विकेरियस लायबिलिटी पर? लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ कंपनी, डोनू बनाम स्टीवेंसन, टाली बनाम फ्राई एंड सन्स, क्रिस्टी बनाम देवी, कौन सा है? लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, ऑप्शन ए लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी की केस है। और वो केस जो है ना, वो यही है कि एक फर्म थी, विदेश संबंधी मामलों में सलाह देती थी, और फर्म का एक पार्टनर जो था वो क्या था, एक बुढ़िया गई सलाह लेने के लिए। उसने कहा कि अच्छा माताजी कि अपनी संपत्ति के संबंध में क्या व्यवस्था करे। उस पार्टनर ने कहा कि ऐसा करिए, ये है कागज और इस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए और मस्त हो जाइए एकदम। और उसे बताया कि कुछ और है, लेकिन वहां पे उसने जो फ्रॉड किया था उसके लिए फर्म जिम्मेदार मानी गई विकेरियसली। लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। नेहा जी को गुड इवनिंग। अगला बात कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एक व्यक्ति एक सेवक नहीं माना जाएगा? कब सेवक नहीं माना जाएगा? जब वह मालिक द्वारा नियोजित किया गया है, जब वह मालिक द्वारा नियंत्रणाधीन कार्य करता है, जब वह मालिक के निर्देशों के अधीन कार्य करता है, जब वह मालिक के लिए सेवाओं के लिए संविदा के अधीन कार्य करता है। का सही ऑप्शन हो जाएगा वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी है, जब मालिक के लिए सेवाओं के लिए संविदा के अधीन काम करता है। बाकी सब है, मालिक द्वारा नियोजित है, नियंत्रण में काम कर रहा है, निर्देश में काम कर रहा है, तो नौकर है। न्यूसेंस के को अपकृत्य के रूप में किसी व्यक्ति की भूमि के या उसके ऊपर या उससे संबंधित किसी अधिकार के प्रयोग या उपयोग में अवैध हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया है, के द्वारा किसकी परिभाषा है ये? न्यूसेंस के संबंध में ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर ए विनफील्ड की परिभाषा है, विनफील्ड की परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न है, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, सर्कमस्टांसेस इटसेल्फ स्पीक्स का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था कौन सी केस में? जसबीर कौर, अलका आबशाराम नगर निगम। का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली नगर निगम वर्सेस सुभागवंती की केस थी। इसी में था ना कि दिल्ली में 80 साल पुराना घंटा घर गिर गया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। घंटा घर गिर गया जिससे उसकी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार के जिस प्रकार की चीजों से वो बनाया गया था उसकी आयु 40 से 45 साल होती है, और मरम्मत नहीं हुई इसलिए वो गिर गया। अब यहाँ
परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का मतलब ये है कि ये परिस्थिति स्वयं इस बात का सबूत है कि अगर नगर निगम लापरवाह नहीं हुआ होता तो ये घटना न घटती। आप लोग वो लेक्चर जो टार्ट का है ना वो करके आते तो एक प्रश्न इसमें से नहीं छूटता आपसे, कर लीजिएगा। तो ये 40 अरे क्या दिल्ली नगर निगम वर्सेस सुभागवंती की केस था ये, और आप जानते हैं कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, इसका मतलब घटना स्वयं प्रमाण यानी रेस इप्सा लोक्यूटर इसी को कहते हैं, रेस इप्सा लोक्यूटर इसी रूल को कहते हैं जो कि एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 में भी ये सिद्धांत लागू होता है। जहां चिकित्सक ने खुद और इन्हें उदर गुहिका खोलने के लिए देखा कि रोगी की परिशेषिका सही थी परंतु पित्ताशय की शल्यक्रिया हो सकती, उसने शल्यक्रिया जारी रखी परंतु बाद में योगी की मृत्यु हो गई, चिकित्सक का अप्रकृति में क्या दायित्व तो है। ऑप्शन नंबर बी है कि क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा क्योंकि पित्ताशय की शल्यक्रिया के लिए सहमति प्राप्त करना उस समय संभव नहीं था। रंजना भी खूब गलत दे रही है जवाब आजकल। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वादी की योगदायी उपेक्षा के विषय में संबंधित नहीं, योगदायी उपेक्षा से ब्रिटिश कोलंबिया इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी बनाम लोच, बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर, डेविस बनाम मान, डोनोग बनाम स्टीवेंसन। डोनोग बनाम स्टीवेंसन बड़ी फेमस केस है ना, तो ये डोनोग बनाम स्टीवेंसन की केस किससे रिलेटेड है बताइए, डोनोग बनाम स्टीवेंसन की केस रिलेटेड किससे है ये बता दीजिए। बताइए कमेंट बॉक्स में कि डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन की केस किस टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए सोचते रहिए सोचते रहिए। जोखिम की जानकारी में जोखिम की स्वीकृति आवश्यक रूप से समाविष्ट नहीं है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह सिद्धांत विकथित किया गया था, डान बनाम हैमिल्टन, थॉमस बनाम क्वार्टरमैन, स्मिथ बनाम बेकर, हैगाटी बनाम साइन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मिथ बनाम बेकर के केस में कहा गया था कि जोखिम की जानकारी जोखिम स्वीकृति नहीं है, मतलब साइंटी नॉट फिट इंजुरी है, साइंटी नॉन फिट इंजुरिया, ये सूत्र जो था इसी में आया था। चलिए अगला है कि उपेक्षा एक अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी के न चाहते हुए भी वादी को क्षति पहुंचती है, ये किसकी परिभाषा है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विनफील्ड की परिभाषा है,
सामंड की नहीं है। ऑप्शन, अरे अगला प्रश्न है ये, आप देखिए कि अंशदायी उपेक्षा, वही योगदायी उपेक्षा के लिए दोषी हेनु होने हेतु व्यक्ति को बेवकूफी पूर्ण कार्य करना चाहिए, प्रज्ञावान व्यक्ति आदमी के समान कार्य करना चाहिए, प्रज्ञावान आदमी के समान कार्य नहीं करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञावान आदमी के समान कार्य नहीं होगा तभी वो कोई व्यक्ति उपेक्षा के लिए दोषी होगा। प्रज्ञावान व्यक्ति क्या है? प्रज्ञावान व्यक्ति का मतलब एक सामान्य व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति का मतलब सामान्य व्यक्ति, ना तो मंदबुद्धि हो और न ही बहुत तेज तर्रार से होने की जरूरत है। एक कॉमन मैन जो होता है जिसके पास जितना दिमाग होना चाहिए ऐसे पर्सन। अपकृत्य की उपेक्षा का उत्तरदायित्व तो होता है जब नुकसान की समुचित संभावना हो, जब नुकसान की समुचित संभावनीयता व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य करने या न करने की, जब कर्तव्य समाप्त हो गया हो यद्यपि क्षति कारित हुई हो अथवा नहीं। डी है कि यद्यपि क्षति हुई हो तब उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। इसका सही ऑप्शन है, उत्तरदायित्व उपेक्षा के मामले में तभी होगा जब क्षति हुई हो, क्षति नहीं हुई तो काहे का दायित्व, क्षति है तब। अगला प्रश्न आपका ये, उपेक्षा को सदोष असावधानी के रूप में परिभाषित किया गया था सेवनी के द्वारा, सामंड के द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा कि विनफील्ड के द्वारा। उपेक्षा को सदोष असावधानी के रूप में किसने परिभाषित किया? चलिए आगे, याद आ गया, डोनोग बनाम स्टीवेंसन में पड़ोसी की परिभाषा किसने दी थी? लॉर्ड ब्लैक स्टोन ने, जस्टिस होल्ट ने, लॉर्ड ब्लैक बर्न ने कि लॉर्ड एटकिन ने? ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड एटकिन ने। हुआ ये था कि वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन की केस आप लोगों से पूछी थी ना, तो ये डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन की केस है उपेक्षा से, उपेक्षा के लीडिंग केस है ये। और इसमें वही जिंजर बियर जो है पीने गए थे, जिंजर बियर पीने गए थे, उसमें सड़ा हुआ घोंघा निकला था। अब जब केस किया गया दुकानदार पर तो दुकानदार कह रहा हम थोड़ी नहीं इसको बनाए, तो पैक चीज है, हम काहे के लिए जिम्मेदार हैं। तो कंपनी पर केस किया गया तो कंपनी ने कहा कि तुमको तो हमने बेचा ही नहीं, हमारा तो तुमसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ। तो बड़ी समस्या थी, तो उसमें कहा गया कि नहीं, कंपनी जिम्मेदार होगी, क्योंकि लॉर्ड एटकिन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए जो उसके पड़ोसी हैं, अर्थात पड़ोसी वो व्यक्ति है जो हमारे साधारण कार्य से प्रभावित होता है। तो अगर आप कोई खाने पीने की चीज बना रहे हैं तो उस हर व्यक्तियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी होगी जो उस चीज को खा या पी या उपभोग कर सकता है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है ये कि यदि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने हेतु विचारण में यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की त्रुटि थी, यद्यपि पीड़ित व्यक्ति ने भी समान त्रुटि की थी, तो ये हो जाएगा। अब नियम क्या आ गया है कि क्षतिपूर्ति के अभिभाजन का सिद्धांत है कि अगर दोनों की गलती 50-50 है
दोनों की गलती 50-50 है, और अगर पूरी गलती केवल प्रतिवादी की होती तो कंपनसेशन अगर 1 लाख देना पड़ता तो चूंकि वादी की भी गलती है इसलिए 50%, इसलिए केवल 50,000 देना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर प्रतिवादी की गलती मतलब 25% गलती जो है वादी की खुद की है और बाकी 75% गलती जो है वो प्रतिवादी की है, तो ऐसी स्थिति में अगर कुल गलती वादी की नहीं होती और 1 लाख कंपनसेशन होता तो ऐसे मामलों में 25% तो इनकी गलती है ना, तो 25,000 हटा के 75,000 इनको कंपनसेशन लिया जाएगा, काट लिया जाएगा कि बेटा तुम्हारी भी तो गलती थी। ये देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि कौन सा वाद योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। हेंस बनाम हार्वुड, बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर, डेविस बनाम मान, योगेंद्र पाल चौधरी बनाम दुर्गादास। इसमें योगदायी उपेक्षा से संबंधित वाद जो है बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर भी है और डेविस बनाम मान भी है। डेविस बनाम मान भी है और बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर, क्योंकि बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर के केस में ही तो योगदायी उपेक्षा आया था। हाँ बेटा मैं डाल ही देता हूँ, मैं डाल देता हूँ, जो काम की चीजें मैं सब उस पर डाल देता हूँ। ठीक है ना। डेविस बनाम मान वाला भी है, लेकिन डेविस बनाम मान का केस जो है उसमें एक दूसरा सिद्धांत आया था उससे रिलेटेड है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस अपकृत्य में दायित्व दोष पर आधारित होता है। दायित्व दोष पर आधारित होता है माना। ऑप्शन नंबर सी, वो जो डेविस वर्सेस मान की जो केस थी वो जो है ना विकेरियस लायबिलिटी में ही लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल से रिलेटेड है, यानी हम इनसे अंतिम अवसर का नियम कहते हैं, अंतिम अवसर का नियम। इसमें क्या था, वही वाला था कि एक व्यक्ति ने अपना गधे की टांग बांध के रास्ते पे छोड़ दिया था, उधर से घोड़ा गाड़ी आई और गधा मर गया। जब घोड़े गाड़ी पर केस किया गया तो कोर्ट ने कहा कि अंतिम अवसर का सिद्धांत लागू होगा, यानी घट घोड़ा उस एक्सीडेंट को होने में दोनों की गलती है, वादी ने भी गधे को रास्ते में छोड़ा था वो भी टांग बांध के, इसकी भी गलती है, प्रतिवादी की भी गलती है। उसने कहा जो गलती को रोकने का बाद में ऑप्शन रखता था, जिसे अंत में अवसर मिला था कि उस नुकसान को होने से रोक सकता, वही जिम्मेदार होगा। तो डेविस वर्सेस मान की केस उसी रिलेटेड है। ये देखिए होली के समय में मजाक चलेगा। अ ने हंसी मजाक में ब से जो स की पत्नी है से कहा कि स की प्राणांतक दुर्घटना हो गई, ब को मानसिक आघात पहुंचा और गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अब यहां क्या होगा, क्या होगा। अप्रतिकर के लिए दाई है क्योंकि उसने मानसिक आघात पहुंचाया, अच्छल के दाई है, सत्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन आप लोगों के हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, दाई है क्योंकि अपकृत विधि में आशय महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्षति पहुंचाने का आशय रखता था या मजाक में उसने कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात, दूसरी बात ये कि ये केस कौन सी है जिस पर है, ये विल्किंसन वर्सेस डाउनटन की केस है, विल्किंसन वर्सेस डाउनटन की केस है, इसी केस का ये फैक्ट है। इसे ग्रे हेयर केस भी कहते हैं, इसमें महिला का जो है ना बालों का कलर ही बदल गया था टेंशन में, शॉक लग गया था,
गधे के मालिक पर क्या हंसने की जरूरत है बेटा, क्योंकि गधे का मालिक जो था वो गधे का भी बाप था, समझ लीजिए। क्योंकि कोई गधा टांग बांध के सकरी गली में छोड़ेगा तो उसको गधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए। वेरी गुड सुलेखा। निम्नलिखित में से किस एक में दायित्व दोष पर आधारित होता है? खतरनाक वस्तुओं के लिए, पशु अतिचार, कपट, मानहानि। दोष पर आधारित दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर सी कपट। देखिए गलत मलत क्वेश्चन इधर उधर रहे लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में है जब पूछे दोष पर आधारित दायित्व तो कहां होता है, तो उस चीज को ऑप्शन में लगाइएगा जहां की अपकृत्य किसी इंटेंशन, मतलब अपकृत में इंटेंशन की वैल्यू होती है, दोष पर आधारित दायित्व तो वहीं पे, समझे बात। तो कपट जो है वो कपट नाम ही कि कपट में इंटेंशन इन्वॉल्व होगा, कॉन्स्पिरेसी में इंटेंशन इन्वॉल्व होगा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में इंटेंशन इन्वॉल्व होगा। तो जिस टार्ट के लिए इंटेंशन महत्वपूर्ण है ऐसे मामलों में दायित्व जो होता है वो दोष पर आधारित होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह रहेंगे और उसका आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट दे देगा, बच्चे कंफ्यूज ना हो तो करें क्या। अगला है क्वेश्चन, इंजूरिया साइन डेवनम सूत्र का क्या अर्थ है? इंजूरिया साइन डेवनम, इसका मतलब है इंजरी मतलब लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिना हानि के विधिक अधिकार था, मतलब विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया लेकिन पैसे का नुकसान उसे हुआ नहीं। इंजूरिया साइन डैमेज, इंजुरिया का मतलब लीगल इंजरी, साइन मतलब विदाउट, डैमनम का मतलब डैमेज माने सब्सटेंशियल हार्म, इंजरी विदाउट डैमेज। एसबी वर्सेस व्हाइट की केस है इस पर, एसबी वर्सेस व्हाइट। अरे इसको तो देखिए, आपको तो मैंने कल भी तो बताया था कि इसमें क्या होता है ना, इंजूरिया साइन डेमनम का इंजरी का मतलब होता है लीगल इंजरी, ठीक है ना, लीगल इंजरी होती है, साइन का मतलब होता है विदाउट और डेमनम का मतलब होता है डैमेज यानी कि सब्सटेंशियल यानी वास्तविक नुकसान, ठीक है ना। आइए क्या है, विधिक अधिकारों का उल्लंघन, तो क्या हुआ, विधिक अधिकारों का उल्लंघन बिना वास्तविक नुकसान के, मतलब वास्तविक नुकसान एक रुपए का नहीं हुआ, विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया। और यही जब डैमनम साइन इंजुरिया होता है तो डैमनम का मतलब डैमेज यानी वास्तविक नुकसान, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, मतलब डैमेज हुआ है लेकिन बिना लीगल इंजरी के, तो लीगल इंजरी हुई नहीं तो कंपनसेशन का हकदार नहीं हुआ। हाँ, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी में वो हो जाएगा ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल वाला। ले आई गया, प्रकट हो गए प्रभु। एसबी बनाम व्हाइट का केस संबंधित है बिना क्षति के हानि के सिद्धांत से, सहमति से प्राप्त हानि के लिए कोई दायित्व नहीं, हानि का मात्र ज्ञान दायित्व उत्पन्न नहीं करता, बिना हानि के क्षति के सिद्धांत। भाग्य लक्ष्मी वाला भी केस, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिना हानि के क्षति यानी इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम। हाँ,
साधारणतया अनुचित हेतु अपकृत विधि में विसंगत होता है। यह सिद्धांत जिस प्रसिद्ध वाद में अभिकथित किया गया था वो कौन सा केस था? साधारणतया अनुचित हेतु अपकृत विधि में विसंगत होता है, कौन सी केस में कहा गया था? नहीं बच्चों नहीं, ये केस है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स की केस है। ठीक है, ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स क्यों है ऐसा? क्योंकि ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स वाले मामले में एक व्यक्ति ने अपनी जगह में ऐसा कुआं खोदा कि इनका जो है जल स्रोत ही सूख गया, और ये काम इसने बुरे इरादे से किया था। अब प्रश्न ये आया, जब वादी ने केस किया कंपनसेशन के लिए प्रतिवादी पर, तो कोर्ट ने कहा कि अपनी जमीन में गड्ढा खोदना कोई गलत नहीं है, तो जब उसका कार्य गलत नहीं है तो चाहे उसके लिए कितना ही बुरा हेतु क्यों ना हो वो अपकृत में विसंगत होगा। ठीक है ना, उसका इरादा कितना भी गलत हो, काम सही किया ना मैं। अब जैसे मैं इसलिए बैठ के पढ़ाई करूं कि मेरा सिलेक्शन जुडिशियरी में हो जाए और मेरे जो पड़ोसी हैं उनका हार्ट अटैक हो जाए, वो मर जाए, तो मेरा इरादा कितना भी बुरा हो लेकिन पढ़ाई में तो अच्छे इरादे से कर रहा हूं ना, वो गलत है नहीं है, तो इरादा मेरा कितना भी अनुचित हो वो मेरे कार्य को अवैध नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जज बन गया और कोई व्यक्ति उसकी वजह से हार्ट अटैक किसी का हो गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार। आप लोगों के साथ भी बहुत होगा, बहुत ऐसे पड़ोसी होंगे जो बहुत परेशान होंगे, अरे इनके बस का नहीं है, जज बनना छोटी बात थोड़ी है, ये खाली ऐसे ही पैसा माँ बाप का बर्बाद कर रही है कि। अब फिर उसके बाद जब आप बन जाएंगे तो सबसे ज्यादा सदमा उन्हीं को लगेगा, भगवान न करें किसी को हार्ट अटैक हो लेकिन थोड़ा सदमा तो लगेगा ही। हार्ट अटैक से व्यक्ति मर ना जाए, लेकिन मर जाने से तो दर्द तुरंत खत्म हो जाता है ना। अब जब रोज आप गाड़ी पर न्यायाधीश लिख के पहुंचेंगे घर हर त्योहार पे, होली पे पहुंचेंगे तो उसकी होली खराब हो जाएगी, दिवाली पे पहुंचेंगे उसकी दिवाली खराब करेंगे आप, तो रोज उसका हार्ट अटैक होगा हर त्योहार। स्वयं प्रमाण का सूत्र जो है वो किससे रिलेटेड है? साक्ष्य का नियम है कि खंडनकारी साक्ष्य का नियम है कि उपेक्षा का नियम है कि प्रतिनिधिक दायित्व का नियम? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खंडनकारी साक्ष्य का नियम है। अगर खंडनकारी शब्द न लिखा हो तो साक्ष्य का नियम समझ लीजिएगा, क्योंकि स्वयं प्रमाण के लिए हमने 106 एविडेंस की बात बताई थी। इतना महान होते बेटा तो जलते काहे के लिए है? इतना कोई सोचने जाता है कि तुमने मेहनत किया इसलिए तुम बने? देखिए बेटा, ये इसमें जनरली आपको ऑप्शन साक्ष्य का नियम आता है ना, तो साक्ष्य का नियम लगाइएगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है उसमें खंडनकारी साक्ष्य का नियम है, तो ये बिल्कुल ज्यादा सही है, खंडनकारी है, क्योंकि इसका एविडेंस देके खंडन किया जा सकता है। अंतिम अवसर का सिद्धांत निम्न से संबंधित है, अंतिम अवसर न्यूनसेंस से कि नेग्लिजेंस से कि तंत्रितीय घात से कि क्षति की दुर्वर्ता का सिद्धांत, अब बताइए। नहीं देखिए राज, गलत बता रहे हैं आप,
हमने अभी बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बैक चलू मैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं अभी बैक चल के आप लोगों को दिखाता हूं। कहां गया यार, हाँ देखिए बताया ना मैंने, अंतिम मोसर के नियम की चर्चा मैंने की थी, गधे पे इतनी देर आप लोग हंसे थे, ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड हमने बताया था। तो अंतिम मोसर का नियम जब हम यहाँ बता रहे थे, कहा था हमने कि इससे पहले वाले प्रश्न पर आधारित है ये यहाँ पर, तो ये युगदायी उपेक्षा से रिलेटेड था ना, हमने कहा युगदायी उपेक्षा का नियम आया था इसमें, और डेविस बनाम मान का जो केस है वो अंतिम अवसर के नियम से था, उसी में गधा वाला है। ठीक है, तो ये अंतिम अवसर का नियम योगदायी उपेक्षा से, चूंकि योगदायी उपेक्षा उपेक्षा का ही हिस्सा है तो इसलिए उपेक्षा लगा दिया हमने। अगला प्रश्न है आपका, उपताप का अर्थ है, उपताप मतलब न्यूसेंस को उपताप कहते हैं, तो उपताप का क्या अर्थ है, विधि विरुद्ध या अनुचित दखल देकर व्यक्ति के उपयोग या भूमि अथवा अन्य अधिकारों का उपभोग। ऑप्शन बी कहता है व्यक्ति के उपयोग में व्यवधान या अपनी संपत्ति पर आनंद में व्यवधान। सी कहता है कोई चीज जो क्षुब्ध करे उपहत करे अथवा जो आपराधिक हो। ऑप्शन डी कहता है ए और बी, सी दोनों। अब चूंकि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों नहीं है तो ए और सी ज्यादा प्रोबेबल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। वेरी गुड, आगे का प्रश्न है आपका ये, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला स्थापित करने हेतु विद्वेष होना चाहिए, तथ्यों का कि विधि का कि दोनों, तथ्य और विधि दोनों प्रयुक्त में से कोई। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए तथ्य एवं विधि का उद्देश्य विद्वेष हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत असुविधा कारित करने वाले उपताप का मामला निर्मित करने हेतु न्यायोचित मानक है, व्यक्तिगत असुविधा कारित करने वाले उपताप का मामला निर्मित करने के लिए न्यायोचित मानक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असुविधा का वास्तविक स्थानीय मानक। नेक्स्ट, विद्वेषपूर्ण अभियोजन एक अपकृत्य है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बचाव का आशय रखता है, विधिक प्रक्रिया जो युक्तियुक्त न हो के विरुद्ध, पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन करना, अभियुक्त को पुलिस के बढ़ते कार्य से और पुलिस को सेल प्रक्रिया संहिता के विरुद्ध। विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए है विधिक प्रक्रिया जो युक्तियुक्त ना हो, किसी व्यक्ति पर बिना युक्तियुक्त आधारों के मुकदमा कर देना सिविल विद्वेषपूर्ण, अरे कोई आपराधिक मुकदमा कर देना विद्वेषपूर्ण अभियोजन। द्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षति के लिए वाद लाने के लिए वादी द्वारा क्या सत्यापित करने की जरूरत है? द्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षति के लिए वाद लाने के लिए वादी द्वारा क्या सत्यापित करने की जरूरत है? कि वह प्रतिवादी द्वारा अभियोजित किया गया, कि वह अभियोजन बिना किसी उचित और संभावित कारण के संस्थित किया गया, द्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही वादी के पक्ष में समाप्त हुई, उपरोक्त सभी, क्या स्थिति है?
प्रतिवादी द्वारा अभियोजन किया गया, सही बात है। अभियोजन बिना किसी उचित और संभाव्य कारणों के किया गया, ये भी सही है। द्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही वादी के पक्ष में समाप्त हुई, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के 5 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें से ये 3 हैं। नेक्स्ट है कि एक बैंक कर्मचारी अपने बैंक के परिवार पर पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया, सत्र न्यायालय, परिवार नहीं परिसर होगा, सत्र न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत बरी किया जाता है, प्रभावित का दावा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कोई दावा नहीं कर सकता क्योंकि बैंक युक्तियुक्त कारण रखता था। खैर प्रश्न कंप्लीट नहीं है, इसलिए बहुत सही नहीं भी कहा जा सकता इस आंसर को। ये है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिचार की दुष्कृति के लिए हेतु वैध बचाव है? कौन सा अतिचार के लिए के विरुद्ध वैध बचाव क्या है? व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, अपरिहार्य दुर्घटना, विधि द्वारा उचित, ये सब। इसका सही है मतलब ट्रेस पास के मामले में डिफेंस क्या है? व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, यानी कोई व्यक्ति अतिचार करेगा तो आप अपने स्वयं के शारीरिक बल का प्रयोग करें, उसे करके उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। सभी नहीं होगा ना, अपरिहार्य दुर्घटना नहीं आएगी ना इसमें। क्या एक व्यक्ति को मिथ्या कारावास के अधीन कहा जा सकता है? एक बस, ट्रेन या हवाई जहाज में, एक खुले पार्क या मैदान में, अपने स्वयं के घर या वाहन में, उपरोक्त सभी में। मिथ्या कारावास कहां हो सकता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह। बस में बंद कर दीजिए, ट्रेन में बंद कर दीजिए, हवाई जहाज में बंद कर दीजिए भाई साहब को, मिथ्या कारावास। खुले पार्क में बैठा दीजिए और कहिए कि हीले तो फिर बताते हैं तुमको, तब भी हो सकता है। उसके घर ही में आपने ताला बाहर से लगा दिया, तब भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से हो सकता है। मिथ्या कारावास का मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये है आपका अगला प्रश्न। अपकृत्यकारी षड्यंत्र पूर्ण घटना होती है जहां में सही हो जाता है। षड्यंत्र कब कंप्लीट हो जाता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से किसी तीसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति धोखे से कारावासित किया जा सकता है जब वह सो रहा है, अचेतन है, नशे में है, सभी। बिल्कुल सभी तरीका है। रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कब और किसके द्वारा? तो कब 1868 होता है और किसके द्वारा? ब्लैक बर्न। नेक्स्ट,
ये देखिए आपका अगला प्रश्न है कि वह प्रमुखवाद जिसमें क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत प्रत्यक्ष जांच के आधार पर अंतिम रूप से निर्धारित किया गया, स्मिथ बनाम लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी, वैगन माउंड केस, री पोलेमिस एंड फर्नेस विधि एंड कंपनी, ओवरसीज टैंकशिप यूके लिमिटेड बनाम मार्टस डॉक्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी। मतलब कौन सा रूप पूछ रहा है? क्षति की दूरस्थता के सिद्धांत के आधार पर प्रत्यक्षता का मापदंड यानी रूल ऑफ डायरेक्टनेस से रिलेटेड कौन सी केस है? रूल ऑफ डायरेक्टनेस से रिलेटेड कौन सी केस है? एक सेकेंड बच्चों, प्रत्यक्षता का मापदंड री पोलेमिस में आया था और री पोलेमिस में था, और एक था युक्तियुक्त पूर्वानुमान का नियम ना, युक्तियुक्त पूर्वानुमान का नियम। तो युक्तियुक्त पूर्वानुमान का नियम वेगन माउंड केस था, ठीक। नहीं बेटा देखो, दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अरे दो नियम है, एक प्रत्यक्षता यानी रूल ऑफ डायरेक्टनेस और एक है रूल ऑफ कहते हैं युक्तियुक्त पूर्वानुमान। तो प्रत्यक्षता में रिपोलिस को कहते हैं और इसको जो कहते हैं वो वेगन माउंड कहते हैं जो युक्तियुक्त पूर्वानुमान का। बाकी जो केसेस हैं ना सब उसको सपोर्ट करती हैं, लीडिंग केस यही फ्रंट पर है। अगला प्रश्न है कि अपकृत्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, यह न तो सीमित है और न ही संहिताबद्ध, यह वक्तव्य किसने किया था? कामडेन, मेंसफील्ड, एलन कोवेन, सामंड। ये होना चाहिए कामडेन। ठीक है, ये कामडेन होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अपकृत विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य का उल्लंघन जिससे क्षति होती है, जिसके विरुद्ध उपचार का विधि द्वारा प्रावधान किया जाता है, यह कथन सामंड का है कि आस्टिन का कि पोलक का कि विनफील्ड का? ये परिभाषा विनफील्ड की, अपकृत विधि द्वारा नियत कर्तव्य भंग का उल्लंघन है, यह वेनफील्ड की परिभाषा है। अब ये स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़िए थोड़ा बड़ा बड़ा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। वेरी गुड सुलेखा चौधरी, ये है आपका अगला प्रश्न। अपकृत में सामान्यतया जो क्षतिपूर्ति
पीड़ित व्यक्ति को दिलवाई जाती है वो कैसी होती है, परिनिर्धारित की अपरिनिर्धारित की, दांडित व्यक्ति की, दांडित और परिनिर्धारित दोनों। अब कृत्य विधि में सामान्यता किस प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जाती है? इसका सही है अपरिनिर्धारित यानी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ही दिए जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड भी हो सकते हैं अनलिक्विडेटेड भी हो सकते हैं। अनलिक्विडेटेड मतलब सेक्शन 73 और लिक्विडेटेड मतलब सेक्शन 74। अपकृत्य में दायित्व का आधार है क्या? अपकृत्य में दायित्व का आधार है क्या? विधिक अधिकारों का अतिक्रमण, विधिक अधिकारों का अतिक्रमण, यही ग्राउंड। विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है तो क्षतिपूर्ति पाने का हक है, चाहे उसे एक रुपए का नुकसान न हुआ। और अगर विधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो चाहे कितनी भी संपत्ति का नाश हुआ हो उसे कंपनसेशन का हक नहीं। अपकृत्य विधि, यह अपकृत्य विधि है न कि अपकृत्यों की विधि। यह सिद्धांत का समर्थक कौन था? विनफील्ड, सामंड, फ्लेमिंग, पोलक। ऑप्शन ए है विनफील्ड। और कल इसी पर तो बात आया था ना कि सामंड विनफील्ड कहते थे कि यह अपकृत्य विधि है। क्यों? क्योंकि सारे अनुचित कार्य एक अपकृत्य हैं, तो इसलिए अपकृत्य की विधि है। सामंड कहते हैं नहीं, अपकृत्यों की विधि है क्योंकि तमाम कबूतर खाने, पिजन होल थियरी इन्होंने दिया था, इसलिए तमाम कबूतर खाने मान हानि, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस और प्रोसिक्यूशन इस तरीके से बने हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति का कार्य किसी कबूतर खाने में फिट होता है तो टार्टियस लाइबिलिटी है, नहीं फिट होता तो नहीं लाइबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित वादों में से कौन सा बिना क्षति की हानि से संबंधित नहीं है? बिना क्षति के हानि से संबंधित नहीं है। बिना क्षति का हानि मतलब बिना क्षति के हानि, इसका मतलब हो गया डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, इससे कौन संबंधित नहीं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। हाँ तो वही बताए तो थे कबूतर खाना सामंड का है, ये गलत बोल दिए थे, हाँ कहीं गलत में बोल दिया। तो भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य का जो केस था वो केस है इंजूरिया साइन डेमनम से, डेमनम साइन इंजूरिया से नहीं है। मतलब इसमें कहा गया था कि नहीं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर आप अननेसेसरी उस पर अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो कंपनसेशन का हकदार। हाँ सही तो बताया था, चलिए बड़ी बात है ये देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, न्यूसेंस मान्यता देती है बिना कसूर के दायित्व की संकल्पना को, कसूर पर आधारित दायित्व को, लांछन पर आधारित दायित्व को, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कसूर पर आधारित दायित्व, अगला प्रश्न, न्यूसेंस में प्रतिवादी
अप्रायिकता संवेदनशीलवादी के प्रतिदायी है, केवल व्यक्तिगत क्षति के वादों में, केवल संपत्ति क्षति से की क्षति के वादों में, व्यक्तिगत क्षति और संपत्ति दोनों के मामलों में उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतिवादी अप्रायिकता संवेदनशील प्रतिवादी के प्रतिदायी है, ये तो आपका एकदम फेवरेट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत क्षति और संपत्ति की दोनों के मामले। ये आप जवाब दीजिए। कैसिडी बनाम डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड का वाद संबंधित है न्यूसेंस से कि मानहानि से कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता से कि प्रतिनिधिक दायित्व से। कैसिडी बनाम डेली मिरर न्यूज़पेपर ये मानहानि से रिलेटेड है। इसी मामले में एक स्त्री को दिखाया गया था कि उसका पति जो था वो किसी अन्य स्त्री के साथ सगाई कर रहा है। इस बड़े स्त्री का सब बहुत मजाक उड़ा है कि क्या भाई, आज तक तो तुम पति पति बोल रही थी, वो तो उधर शादी कर रहा, जबकि ऐसी बात कोई थी नहीं। अपकृत्यों की विधि ऐसे नियमों के समूह से निर्मित है जिसमें विनिर्दिष्ट क्षतियों की स्थापना की गई है। अपकृत्यों के लिए दायित्व कोई सामान्य नियम नहीं है, इस मत के प्रवर्तक कौन है? किस विधि शास्त्री ने कहा है कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि नहीं है बल्कि अपकृत्य विधि, ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपने विल्फेल्ड के बारे में ऐसी बात कही थी। वैगन माउंड का केस किससे रिलेटेड है? वैगन माउंड का केस जो है वो युक्तियुक्त पूर्वानुमान से रिलेटेड है ना, और प्रत्यक्षता से री पोलेमिस, रिपोलेमिस हो जाएगा प्रत्यक्षता से और वेगन माउंट हो जाएंगे पूर्वानुमान से। अब बंद कर दें क्या, क्योंकि थक भी तो गए होंगे आप लोग और बहुत सारे क्लास अभी आगे भी करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत विधि का वास्तविक प्रयोजन है? गुड गजला खान, ऑप्शन नंबर ए, क्षति का प्रतिकर देना अथवा क्षति जारी रहने का निवारण करना। ऑप्शन नेक्स्ट है कि स्वतः अनियोज्य अपकृत ऐसा अपकार है जिसके लिए वादी वाद ला सकता है यद्यपि उसे कोई हानि नहीं पहुंची, जिसके लिए हानि का प्रमाण देना वादी के दावे का एक आवश्यक अंग है, जिसमें दायित्व तो कठोर होता है, जिसमें घटना प्रतिवादी की उपेक्षा का स्वयं प्रमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके लिए वादी वाद ला सकता है यद्यपि उसे कोई हानि नहीं पहुंची। निम्नलिखित में से किस दावा द्वारा कृत्य की प्रकृति परिलक्षित होती है? परिनिर्धारित नुकसानी का दावा, अपरिनिर्धारित नुकसानी का दवा, दंडात्मक नुकसानी का दवा कि व्याधिशात्मक उपचारों का दवा? सही उत्तर बताना है। अपकृत्यात्मक दायित्व ऐसे कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है जो पक्षकारों द्वारा नियत किया गया था, जो संविदा द्वारा नियत किया गया था, नैतिकता एवं शिष्टाचार द्वारा नियत किया गया था कि विधि द्वारा नियत किया गया था। बताइए,
जो विधि द्वारा नियत किया जाता है। अब कृत्य क्या है? ऐसे कर्तव्य का भंग है जो विधि द्वारा नियत किया गया। जब तक किसी के अधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो, अपकृत्य विधि में वाद नहीं ला सकता, चाहे भले ही हानिकारित हुई हो। इस सिद्धांत का वर्णन किया गया था, किया गया है इंजूरिया साइन डेमनम में, कि डेमनम साइन इंजूरिया की इंजूरिया नलियस परसोना की इंजूरिया डेमनम नलियस। अधिकारों का उल्लंघन न हुआ, अपकृत्य में वाद नहीं ला सकता, चाहे भले ही कितना नुकसान हुआ। वेरी गुड गजला। डेमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ये तो बता देंगे। साधारणतया अनुचित हेतु अपकृत में विसंगत होता है। किस केस में कहा गया था? ब्रेडफोर्ड कारपोरेशन वर्सेस पिकल्स। यह सैद्धांतिक विवाद की अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि, किसके बाद से बहुत बार रिपीट हो गया है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामंड और विनफील्ड के बीच विवाद था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। है तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए, अभी 10 नहीं नहीं 10 नहीं बचे हैं, खत्म ही कर देते हैं। कि यदि कार्य विधिपूर्ण था तब हेतु कितना भी बुरा क्यों न हो, उस कार्य करने वाले का अधिकार था। किस केस में कहा गया था? ऑप्शन नंबर सी, ब्रेडफोर्ड कारपोरेशन वर्सेस पिकल्स। झगड़ा लगाते हो बदमाश लड़के। नहीं नेहा, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं किया हूं। ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिगल्स। 9:30 एमसीक्यू सीआरपीसी पर है। निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के संप्रभु कृत्य के सिद्धांत को नहीं माना था? कस्तूरीलाल, विद्यावती, श्याम सुंदर, सभी में संप्रभु के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। कौन सा केस है? गलत बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान वर्सेस विद्यापति। इसमें तो संप्रभु के नियम को लागू किया गया, कहां कंपनसेशन मिला? विद्यापति वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कल भी बताए थे। निम्नलिखित में से एक अपकृत विधि का लेखक नहीं है, कौन अपकृत विधि का लेखक नहीं है बताइए। ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडमैन अपकृत विधि के लेखक नहीं है। नीरज कुमारी, नमस्ते, गुड इवनिंग। बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं बिटिया। अगला प्रश्न है आपका ये कि अपकृत विधि निम्नलिखित हितों अधिकारों को संरक्षण प्रदान नहीं करता। व्यक्ति के शरीर में उसका हित, संविदा के करने का अधिकार, ख्याति संबंधी अधिकार, एकांतता का अधिकार। अपकृत विधि निम्नलिखित हितों अधिकारों को संरक्षण प्रदान नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी तो कोई क्वेश्चन रहा नहीं, क्योंकि ये सब तो आप कर ही चुके हैं, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अच्छा ये बताइए, ये रिपीटेड नहीं है कि मान हानि के उत्तरदायी ठहराने के लिए आवश्यक तत्व तो क्या है? प्रकाशन, लिखित कथन, कथन सार्वजनिक स्थान पर, कथन का संबंधवादी से होना चाहिए। इसमें क्या सही आपको लग रहा है?
प्रकाशन तो होना ही चाहिए, वादे के संबंध में होना चाहिए, ये दोनों चीजें जरूरी नहीं है इसमें, है ना। कि पहला है तीने तत्व होते हैं, कथन मानहानिकारक होना, मानहानिकारक होना। दूसरा दूसरा है कि वादी के प्रति निर्दिष्ट होना, वादी के प्रति निर्दिष्ट होना। और तीसरा है इसका प्रकाशन किया जाना। तो यही कह रहा है मानहानि को उत्तरदायी ठहराने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, प्रकाशन और वादी से संबंधित, ये दोनों चीजें इसमें जरूरी नहीं। एक पत्थर पे कैसा रहेगा, ध्यान आप लोगों का पत्थर पे है, वही सर पटक लो पत्थर पे। मान हानि के अपलेख और अपवचन में विभाजित किया गया है, केवल भारतीय कानून के अंतर्गत, अंग्रेजी कानून के अंतर्गत, अंग्रेजी एवं भारतीय कानून के अंतर्गत के उपयुक्त में से कोई नहीं। अपवचन और अपलेख के आधार पर जो लाइबिलिटी होती है वो केवल इंग्लिश लॉ के अंतर्गत है, भारत में कोई भेदभाव नहीं है। एक्शनेबल पर से होना, एक्शनेबल पर से नहीं होना, टार्ट पढ़िए, बहुत ज्यादा गलत आंसर आप लोगों ने अभी तक बताए हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से किसको विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई कहा जा सकता है, आपराधिक कार्रवाई, धन वसूली की कार्रवाई, दिवालिया होने की कार्रवाई, समान कार्रवाई, समापन की कार्रवाई। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए क्या होना चाहिए, अभियोजन किस मामले में होगा, आपराधिक मामलों, बात ही खत्म हो गई। सिविल मामलों में तो अभियोजन होगा नहीं, प्रोसिक्यूशन। तो ये आज का सेशन रहा हम लोगों का, और आज के सेशन में आप लोगों ने टार्ट के वो सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए जो तीन हिस्सों में हम लोगों ने बांटे थे, और वो तीनों हिस्सा कंप्लीट हो गया आज। कल से हम लोग कुछ दूसरा सब्जेक्ट पकड़ेंगे और उसके एमसीक्यू सॉल्व कर जाएंगे। अगर माइनर होगा तो भी एक दिन में खत्म कर देंगे, और अगर वो मेजर होगा तो दो अथवा तीन अथवा चार पार्ट भी हो सकते हैं, जैसे सीआरपीसी वगैरह। तो ये आपको देखिए एजुकेटर, आपको फ्री की स्पेशल क्लासेस में, फ्री क्लासेस में आपको बहुत कुछ उपलब्ध करा रहे हैं, ये फ्री की क्लासेस में है। सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सेशन, आस्क मी एनीथिंग एजुकेटर के साथ, मॉड्यूलर टेस्ट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर, क्वेश्चन आंसर सेशन विद प्रॉपर एक्साइटिंग रिवार्ड्स, एक्साइटिंग रिवार्ड्स में 100% स्कॉलरशिप हो जाएगा, और अमेजन का वाउचर भी 45,000 रुपए तक का मिल सकता है। तो तुरंत टूट पड़िए इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एविडेंस तो करा दिए हैं बिटिया, एविडेंस करा दिए हैं, अब इसको अपने चैनल पे अपलोड करना भी बाकी है। लाइव यहाँ पे तो पढ़ाई दिए हैं, अपलोड उसको कंपाइल करके कराना है, इसको भी दो सब्जेक्ट हो गए कंपाइल करके डालने के, करा देते हैं बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी करा देंगे। चलिए तो फिर बाय बाय, मिलते हैं शाम वाली क्लास में 6:30 बजे। थैंक यू।